वेलकम बैक प्यारा रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। और अब फाइनली मैंने वाकई इंस्टाग्राम खोला तो लोडेड हो गया मैसेजेस में, इतने सारे मैसेज में बहुत सारे नहीं पढ़ सकी, बट आई विल। और फिर मैं बाद में ना अफ़ान को मैसेज पे सारे जवाब ले लूँगी अगर इस सेगमेंट में ना हो सके। सुमैर भाई भी तशरीफ़ फरमाए। अफ़ान ज़रा मुझे सबसे पहले तो प्लीज़ ये बताइए कि आप तो शोज़ में जाते ही नहीं हैं, अफ़ान तो दिखते ही नहीं है शोज़ पर, अफ़ान बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स पर नहीं दिखते, और एक आम तासुर है कि अफ़ान ज़रा अवॉइड करता है सोशलाइजिंग। क्या आप शाय हैं या आप बचकर रहते हैं, क्या बात? नहीं, शायद बच के तो नहीं रहता, मैं वैसी बाय नेचर थोड़ा शर्मीला हूँ, शर्मीला या थोड़ा इंट्रोवर्ट, पता नहीं मुझे इस लफ्ज़ से अब थोड़ा एतराज़ होने लग गया है, बहुत यूज़ होता है ये लफ्ज़, लेकिन आई लाइक कीपिंग टू माई सेल्फ। ओके, लेकिन जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है मोस्टली उसमें तो बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग है, लोग आपस में मिलते जुलते हैं, और एक आम रुझान ये है कि आपको शायद इन्हीं ताल्लुकात की वजह से काम भी बहुत मिलता है। तो डू यू डिसएग्री विद दिस? मैं डिसएग्री एग्री तो चले एक और बात है, मुझे लगता है हर एक की अपनी जर्नी होती है। हाँ। कुछ लोगों को कुछ चीज़ किसी तरीके से मिलती है, कुछ को मेहनत से मिलती है, कुछ को ईजी तरीके से, तो अल्लाह ने ये रास्ते आपके लिए लिखे होते हैं, तो आई गेस इट्स दैट। और अफ़ान की क्या जर्नी है? मेरी जर्नी ये है कि मैंने बस कोशिश की कि मैं बचपन का ख्वाब था एक्टर बनना या एमवी बस नॉट एट ऑल आई वाज नॉट। मुझे अभी भी लगता है कि आई एम नॉट कट आउट फॉर मीडिया, बट मुझे इस फील्ड ने बहुत इज्जत, बहुत प्यार, बहुत प्यार, लाखों करोड़ों फैंस दिया, तो अल्लाह का बहुत एहसान है। आई एम हैप्पी नाउ। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं हमेशा से आना चाहता था तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और किस तरह फिर मतलब मुझे हुआ क्या? मैं व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन एनसीए तो आई वाज डूइंग रेडियो। तो रेडियो आप पंजाब से, आपका ताल्लुक है लाहौर से? जी जी जी, लाहौर से ताल्लुक है। ठीक है, तो मैं एनसीए में पढ़ा था तो वो रेडियो तो मैं कर रहा था, तो उस दौरान ही हल्की फुल्की यू नो एनसीए का माहौल भी ऐसा होता है, एंड देन आई वाज डूइंग रेडियो, तो छोटी मोटी ऑफर्स आती थी, तो फिर आई स्टार्टेड ऑफ विद अ प्ले ऑन जियो, तो वहाँ से मेरा पहला था जो कि मुझे नहीं पता। लोगों ने कहा कि आवाज़ अच्छी है, गुड लुकिंग भी हो, टीवी पर क्यों नहीं आते? यही हुआ था। बिल्कुल यही हुआ था। आपको कैसे पता चला? क्योंकि सारे पाकिस्तानी यही करते हैं जहाँ खूबसूरत लड़का दिखता है उसको कहते हैं भाई तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते, मीडिया में क्यों नहीं आते? अच्छा, तो ऐसे हुआ था। और फिर बस पहला ड्रामा हुआ और फिर बस फिर चल सो चल, उसके बाद इस फील्ड ने निकलने नहीं दिया। क्या बात है, और अभी भी जकड़ा हुआ है फैंस ने। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है जी, कौन है? एबटाबाद से समीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ समीना, आप कैसी हैं? एबटाबाद का मौसम कैसा है? वहाँ तो ठंड होगी हल्की हल्की। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, अभी तो हीटर ऑन है हम लोगों के। बाबा हीटर ऑन है, हमारा भी हीटर ऑन है, नेचुरल सूरज वाला। ठीक है राबे, और आप बहुत अच्छी हैं, रोजाना बहुत प्यारी लगती हैं आप। जज़ाकल्लाह। और हमारे इतने प्यारे से गेस्ट आए हैं, अफ़ान आए हैं। असल तो कॉल इनके लिए आई है, बताओ अफ़ान से क्या पूछना है? नहीं 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 नहीं, हमारी आवाज में जो शर्माहट है ना वो मैं समझ गई हूँ। बताओ, पूछो पूछो, अफ़ान से क्या पूछना है भाई? हाँ जी, बस इनके ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी रियलिटी पे सही रियल बनाते हैं, लगता है कि सही एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा काम करते हैं, हमें तो ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर इनसे बात हो जाए तो कीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? जी जी, आपके ड्रामे हम देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं। आज जब आप आए हैं रियली कसम से इतने हम खुश हुए हैं तो बस ये सबसे मिला रहे, लेकिन आज कॉल मिलनी थी, देखिए आज आप आए हैं ना तो बस एकदम से कॉल भी मिल गई है। भाई अफ़ान शर्मा रहे, अफ़ान इज ब्लशिंग एक्चुअली, वो एक्चुअली विजुअल रेफरेंस नहीं है ना, तो बाकी बट थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे, अच्छे अच्छे ड्रामे बनाए हमारे लिए। और राबिया से मैं बात करना चाहूँगी। जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ जी राबिया, आप तो बिल्कुल मेरी नवासी परीशा फातिमा की तरह। हाँ, क्या बात है भाई। जी जी, चलो परीशा को बहुत सारा प्यार, आई लव यू परीशा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो समीना, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द कॉल। अच्छा अफ़ान, मुझे ये बताएं कि क्या अगर एक्टिंग वाला जो आपने कहा कि आपको लगता नहीं है दैट यू आर मेड एंड कट आउट फॉर ड्रामा इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री, तो अगर वो नहीं तो फिर क्या कर रहे थे अफ़ान, क्या सोच रहे थे? नहीं मैं देखें, वो तो मैं आप कह रहा हूँ कि आई एम नॉट कट आउट फॉर इट, लेकिन जब आप किसी फील्ड में जाते हैं तो मेरे ख्याल में आप उसके मुताबिक शेप ले ही लेते हैं। बट माई फादर wanted me to be a doctor, अच्छा, because I was a little studious when I was a student, थोड़ा बेहतर student था, और अगर मैं एक्टर ना होता तो आई थिंक मैं अभी लिख रहा होता मैगजीन्स में। हाँ जबरदस्त। और पेंटर होता जो कि मैं बाय एजुकेशन हूँ। है अभी तो साथ साथ आपका कहीं ना कहीं तो चल रहा होता है। बिल्कुल नहीं करते। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि फैमिली में कौन कौन है और अभी इस वक्त किन के साथ रहते हैं, क्या मतलब आपका? मैं आई लिव विद माय पेरेंट्स। ओके। और मेरे भाई भाभी और उनके दो छोटे छोटे बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम 4 बहन भाई हैं। और पाकिस्तानी फैमिलीज का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो आपको पता है क्या होता है कि जब लड़का हो जाए जवान तो क्यों नहीं कर रहे तुम शादी, तो क्या अफान को टॉर्चर किया जाता है इस बारे में? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं इस बारे में। उन्होंने 1-2 बार जिद की लेकिन उसके बाद फिर हार मान गए। हो गए नहीं, हार नहीं मानी। हार मानने के लिए उन्हें बहुत तगड़ो करनी पड़ी थी लेकिन वो खामोश हो गए। खामोश हो गए। वो रिस्पेक्ट करते हैं आपकी चॉइसेस और डिसीजंस। मुझे ये बात उनके बारे में बहुत कम पाकिस्तानी पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों की शादी वाली ख्वाहिश पे। मेरे वालिदैन तो बहुत ही अमेजिंग लोग हैं। क्या बात है। मतलब मेरे देवर को शादी नहीं करनी थी। आई नो कि क्या सूरत हाल थी घर में, मतलब मैं बीच बचाव करवाती थी कि बस भाई कुट ना चढ़ा कि नहीं हुई, अब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पसंद से क्यों, बहुत खुश है। तो अफान का कोई इरादा है अभी? ज़ाहिर है इरादा तो है लेकिन कोई कुड़ी शुड़ी वेखी हुई है कि नहीं? वेखी सी पर फिर वो नहीं होया। मामला नहीं बन सके। उनकी साइड से नहीं बना कि इस साइड से नहीं बना? अब मेरे ख्याल में नसीब आड़े आ गया। हाय अल्लाह, ऐसा ना करे। तो आप कैसे सवाल ये आप देखना इंस्टा पे पेस्ट हो जाएंगे। नहीं 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 यार, इंस्टा वाले तो नहीं, ये तो मैं दिल वाले सवाल कर रही हूं। नहीं वैसे कह रहा हूं मेरे फैंस, बिकॉज़ वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मोस्टली जो सेलेब्स आते हैं तो उनसे मेरी कुछ ना कुछ तो बातचीत मुलाकात हो चुकी होती है ना, हमेशा कोई दोस्त ही होते हैं सारे। जब मुझे चला फान वही आया तो मैंने कहा यार तो बहुत कुछ पूछना है। पूछे और फिर मेरे अंदर की जो एक औरत जाग जाती, शादी क्यों नहीं की? शादी बस ये है कि देखें, कहा जाता है कि शादी तो बिल्कुल नसीब के। You believe in love, मोहब्बत पे यकीन है? मुझे लगता है मोहब्बत तो अब बहुत किसी और जमाने की बात हो गई है। अब कंपेनियनशिप जो है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कंपेनियनशिप मोहब्बत से थोड़ी बाजी ले गई है लेकिन जाहिर है मोहब्बत के बगैर तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती ना। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट गेटिंग मैरिड डू यू हैव लाइक अ चेकलिस्ट के ये होनी चाहिए? आपको लगता है कि यार वो जब एक जमाने में तो बहुत शदीद किस्म की चेकलिस्ट थी। अच्छा। लेकिन जो जो उम्र बढ़ती जा रही है तो शायद मेच्योरिटी आती जा रही है तो चेकलिस्ट थोड़ी तमीज़दार होती जा रही है, जिसमें ये है कि कंपेनियनशिप होनी चाहिए, यू कैन कैरी अ लेवल हेडेड कॉन्वर्सेशन विद समवन और यू नो विजडम हो, इस तरह की चीज़ें हो, साथ निभाना आता हो। अब वो हुस्न और वो चीज़ें थोड़ी थोड़ा वो होता है चेकलिस्ट में हमेशा, सारे तो इंसानी फितरा लेकिन थोड़ी नीचे आ जाती है। दिस इज व्हाट मैच्योरिटी इज।